विनोद खन्ना बॉलीवुड के फेमस एक्टर थे और सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन भी उस दौर में सबसे टॉप एक्टर्स में गिने जाते थे। उस टाइम में विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की एक साथ कई फिल्में आई थी। दर्शकों ने इन दोनों एक्टर्स की जोड़ी को खूब पसंद किया था। इन दोनों एक्टर्स की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बहुत फेमस थी, लेकिन असल जिंदगी में ऐसी खबरें भी सामने आती रही है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और एक दूसरे से इनसिक्योर थे और इनमें दुश्मनी जैसे संबंध थे। इन दोनों ही एक्टर्स में हमेशा से ही इस बात को लेकर विवाद चलता रहता है कि इन दोनों में बेहतर कौन है। एक्टर विनोद खन्ना ने जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है वो सभी फिल्में आज भी सुपरहिट हैं। जिन फिल्मों में ये दोनों एक्टर्स एक साथ नज़र आए थे वो आज भी यादगार फिल्में हैं। ईयर 1976 में इन दोनों की साथ में फिल्म हेरा फेरी आई। उसके बाद 1977 में खून पसीना, ईयर 1977 में ही फिल्म अमर अकबर एंथनी और परवरिश रिलीज़ हुई। ईयर 1978 में इन दोनों की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर रिलीज़ हुई थी। आपको बता दें कि इन सभी फिल्मों में विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन को बराबर की टक्कर दी थी। इन दोनों एक्टर्स का एक्टिंग टैलेंट बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था और दर्शकों ने दोनों को ही बहुत पसंद किया था। खबरों की माने तो विनोद खन्ना भी अमिताभ बच्चन के बराबर का मुकाम हासिल कर सकते थे, लेकिन विनोद खन्ना ने अपना रुख अध्यात्म की ओर मोड़ लिया और विनोद फिल्में छोड़कर अमेरिका चले गए। आपको बता दें कि विनोद खन्ना को सबसे पहले स्पॉट करने वाले व्यक्ति थे सुनील दत्त। विनोद खन्ना की पहली फिल्म ईयर 1968 में आई थी। ये फिल्म सुनील दत्त साहब की थी। विनोद खन्ना ने जिस फिल्म में डेब्यू किया था उसका नाम मन का मीत था। इसी फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी।